इंसान को अक्सर इस बात का बड़ा अभिमान होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अपनी मेहनत से किया। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि जिंदगी में कितनी बार बहुत सारी चीजें हमें किसी दूसरे के आशीर्वाद से या किसी अच्छे कर्म से भी मिलती है। आज एक कहानी के माध्यम से भाग्य के इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक बस की। बस भरी हुई थी यात्रियों से। अचानक मौसम बदल जाता है, भारी बारिश चालू हो गई थी, बिजली भी चारों तरफ चमकने लगी थी। सभी देख रहे थे कि बिजली कभी भी बस को चपेट में ले सकती थी, क्योंकि वहां पर अक्सर बहुत घने बादल आते थे और बिजली के कड़कने की वजह से अक्सर लोगों की मौत हो जाया करती थी। अब रोशनी से बचने के दो तीन कठिन प्रयास के बाद उस बस चालक ने पेड़ से 50 फुट की दूरी पर बस बंद कर दी और बोला, हमारे पास बस में कोई है जिसकी आज मौत निश्चित है और सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से आज हम सब लोग मारे जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति बस से उतरकर एक एक कर बाहर जाकर पेड़ के तने को स्पर्श कर वापस आ जाए। जिसकी मौत निश्चित है वो बिजली से पकड़ा जाएगा और मर जाएगा और बाकी लोगों की जान बच जाएगी। उसने पहले व्यक्ति को जाने और पेड़ को छूने और वापस आने के लिए कहा। वो व्यक्ति बड़े दुखी मन से बस से उतरा, पेड़ को छुआ। उसका दिल प्रसन्न हो गया क्योंकि तब कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी जीवित था। यही क्रम बाकी यात्रियों के साथ जारी रहा। अब सबको राहत मिल गई क्योंकि वो सब पेड़ छूकर लौटे और कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी थी आखिरी यात्री की, तो सारी नजरें उस यात्री को घूरने लगी। वो यात्री बहुत डर गया। बहुत दुखी मन से वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, पेड़ को छूने के लिए जाता है। उसे ये लगता है कि आज तो मेरी मौत निश्चित ही है। अंतिम यात्री पेड़ के पास गया और उसने पेड़ को छुआ, लेकिन उसी समय बहुत बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती है और बिजली ने बस को चपेट में ले लिया और बिजली के बस को चपेट में लेने की वजह से बस के अंदर बैठे सभी यात्री मारे गए। तो ये घटना ये बताती है कि ये पूरी बस सिर्फ उस आखिरी यात्री की उपस्थिति के कारण सुरक्षित थी। कई बार हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए स्वयं श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कितनी बार ये कुछ हमारे साथ जुड़े व्यक्ति के कारण भी होता है और शायद उस व्यक्ति की वजह से हम अपनी वर्तमान खुशी, सम्मान, प्रेम, नाम, प्रसिद्धि, शक्ति और बहुत सारी अन्य चीजों के भी आनंद ले रहे होते हैं। तो अपने चारों ओर देखिए, शायद आपके माता पिता, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन या आपके मित्र, किसी के भी रूप में आपके पास कोई ऐसा है जो आपको आपके बहुत सारे नुकसान से बचा रहा है। इसके बारे में सोचिए और एक बार उस आत्मा को धन्यवाद अवश्य दीजिए।